नमस्कार, मार्केट अप पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में आज नया रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई पड़ा। 25,100 के करीब मार्केट्स पहुंचे और वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन एक बढ़िया तेजी के साथ इंडेक्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। और थ्रू आउट डे आज मार्केट में तेजी बरकरार रही। हालांकि आज इंडेक्स में खरीदारी थी, मिड कैप के सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर अच्छी खरीदारी थी, लेकिन जो स्मॉल कैप था वो लाल निशान जाके बंद हुआ, मिड कैप फ्लैट साइड बंद हुआ। आज ज़बरदस्त तेजी थी आईटी स्पेस के अंदर, जिसमें आज तमाम मिड कैप के या लार्ज कैप के आईटी स्टॉक्स जो थे वहाँ पर एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली, जिसमें LTIM हुआ, LTTS हुआ या फिर बाकी जो परसिस्टेंट कोफोर्ज वगैरह हुआ, सब में खरीदारी थी। वो एनवीडिया के नंबर्स आने उससे ठीक पहले बाइंग थी। उसके अलावा आज आईटी अपने ऑल टाइम हाई पे पहुँचा, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे पहुँचा, फार्मा में ज़बरदस्त खरीदारी देखने को मिली, अच्छी तेज़ी थी। FMCG बैकफुट पे था, मेटल बैकफुट पे था, ऑटो बैकफुट पे था, बाकी केस टू केस बेसिस पे कामकाज हो रहा था, यू नो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी चल रही थी। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में आपको एडवांस डिक्लाइन फर्स्ट हाफ में तेज़ दिखाई पड़ेंगे, सेकेंड हाफ तक आते आते कहीं यू नो डिक्लाइन थोड़े से ज़्यादा बढ़े, एडवांस से कंपेरिजन डिक्लाइन ज़्यादा होते हुए दिखाई पड़े। तो पहले हाफ और सेकेंड हाफ में जो एडवांस डिक्लाइन है उसमें डिक्लाइन की सिचुएशन सेकेंड हाफ के अंदर थोड़ी ज़्यादा पड़ते हुए दिखाई पड़ी। एक अच्छी तेज़ी थी आज NBCC में, वो बोनस की मीटिंग है उस खबर के बीच में खरीदारी थी। GMM फॉडलर में एक बढ़िया ब्लॉक डील सुबह हुई और उस ब्लॉक डील के बाद यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली। ट्रेंट में आज बाइंग थी, अपने नए हाइस की तरफ ट्रेंट पहुँचा, साथ साथ टाटा इन्वेस्टमेंट बाइंग थी, एक टाइम पे टाटा एलेक्सी टाटा इन्वेस्टमेंट दोनों बाइंग थी, लेकिन सेकेंड हाफ तक आते थे टाटा इन्वेस्टमेंट नीचे आया और टाटा एलेक्सी भी नीचे आता दिखाई पड़ा। ऑब्वियसली बात है, तीन दिन की एक बढ़िया तेज़ी देखी है तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग तो आएगी ही, लेकिन कभी भी इंडेक्स जब नया हाई बनाता है तो आमतौर पर देखा गया कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आती है, तो वो प्रॉफिट टेकिंग यहाँ मार्केट में कंटिन्यू रही। लेकिन बाकी 18 सेशन में बाजार ने अपना नया रिकॉर्ड स्तर बनता हुआ दिखाई पड़ा और एक बढ़िया तेज़ी बाजार ने वापस बरकरार रखी हुई है या फिर जारी रखी हुई है कह लीजिए। आईटी और फार्मा के दम पे, डिफेंसिव के दम पे इंडेक्स जो है वो अपनी नई ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्ट्री में पहुँचता हुआ दिखाई पड़ा। कल के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर रिलायंस का AGM है, जो कि एक इंपॉर्टेंट AGM है। 47th AGM रिलायंस कल होगा, तो बहुत हद तक चीज़ें इस पर डिपेंड करेंगी, प्लस वीकली एक्सपायरी भी है, उसके ऊपर भी आपको अदरवाइज नज़र बना के रखनी होगी। चलिए अब आगे बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर। पहला सवाल जो मेरे पास आया वो है राज साहब का। आई हैव ट्रेप्ड कौन सा शेयर है, ट्रेंट लग रहा है। आई हैव ट्रेंट एट प्राइस 628, वेरी नाइस, 10 times। होल्ड करिए सर, कुछ मत करिए, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठे रहिए। बहुत अगर लग रहा है तो मैं कैपिटल निकालने के लिए 5-10 शेयर बेच दिए कैपिटल आ जाएगा, मतलब आपने नंबर ऑफ शेयर नहीं लिखे, लेकिन जो भी दाम पर जितने भी शेयर हैं आप आराम से होल्ड करिए। आप ऑलरेडी एक बढ़िया वेल्थ क्रिएशन जर्नी का हिस्सा बन चुके हैं और अभी भी बहुत जूस बाकी है इसमें। ऐसा नहीं कि कंपनी मतलब 1-2 साल ऊपर नीचे होगा चलेगा, बट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम यू कैन होल्ड इट। तो आपने ऑलरेडी बढ़िया 5 साल में अच्छा पैसा बनाया, तो आप बने रहो, कंपनी में खराबी नहीं है, एक्सपेंशन स्ट्रॉन्ग है, ग्रुप में अच्छा ही है, सो बने रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बने रह सकते हो यहाँ पे। बट अगर आप फिर भी बहुत कंजर्वेटिव होना चाहते हो तो थोड़ा कैपिटल निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एज ऑफ नाउ कोई दिक्कत नहीं, आप बने ही रहो पूरा। ओके सुमित सर, HAL, MTAR, जीनस पावर सर, तीनों के तीनों ज़बरदस्त तेज़ी पकड़ चुके हैं, अच्छा का अच्छा कैपिटल अप्रिशिएट कर चुके हैं। सो अगर आपका कैपिटल बढ़िया अप्रिशिएट हो रहा है तो आप अपना कैपिटल निकाल लीजिए, और अगर आप बहुत ही लंबी अवधि के लिए बने हुए हैं, निवेशित हैं, सो आप यू नो स्टॉप लॉस साथ ही ट्रेल करिएगा, स्पेशली MTAR और HAL में, दोनों को दोनों बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा चुके हैं। क्योंकि इक्विटी फ्लोट छोटा है तो इसलिए एक बार को HAL तो फिर भी अभी और तेज़ी दिखा सकता है। MTAR कैसे प्रमोटरी माल बेच रहे हैं लगातार, तो वो एक कंसर्न है, बाकी नंबर भी बहुत वीक थे लास्ट क्वार्टर के। अगर चीज़ें स्टेबलाइज हो जाए या फिर जो लो है हाल का उसको स्टॉप लॉस लेके आप बने रह सकते हो, एंड लाइकवाइज जीनस पावर में भी स्टॉप लॉस लेके आप काम करना। तीनों के तीनों में एक बढ़िया तेज़ी ऑलरेडी देखी जा चुकी है, उस तेज़ी के बाद अब आगे कितना कैरी करेगा वो थोड़ा डाउटफुल है, इसीलिए एक बार को आप स्टॉप लॉस लेके चलना है यहाँ पर, वरना कैपिटल निकाल लेना अपना एटलीस्ट। ओके आगे बढ़ते हैं सर। ज़ाइडस 15B है, समझा 150 होंगे शायद, क्या करें, होल्ड करते तो सर, अच्छी कंपनी ज़ाइडस, ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब कंपनी है, बने रहने लायक कंपनी है, फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम यू कैन होल्ड इट, आराम आराम से यू कैन होल्ड इट। सूरज यादव साहब, सर राघव प्रोडक्टिविटी फॉर सेमी कंडक्टर लास्ट 3-4 ईयर में प्रमोटर 72 से 63 तक आ चुका है, नो FII, नो DII, ओनली रिटेल पार्टिसिपेशन है, बढ़ रहा है, क्या करें। देखो यादव साहब, इस कंपनी
आपको मैं तब से जानता हूँ जब ये SME IPO में लेके आई थी, जयपुर बेस्ड कंपनी है, राजेश जी इस कंपनी के मालिक हैं, राघव जो हैं उस कंपनी के मतलब राजेश जी के बेटे हैं। तो अभी रिसेंटली मैनेजमेंट भी आया था, उन्होंने एक NSE में लिस्टिंग हुई थी तब। आपकी कुछ चीज़ें वाजिब हैं, कुछ चीज़ें नावाजिब हैं। जैसे वाजिब क्या क्या है? पहली चीज़ कि इसमें FIIs नहीं है, म्यूचुअल फंड नहीं है, क्योंकि SME से मेन प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट हुआ है। लेकिन इस कंपनी में अगर आप 63% होल्डिंग देखेंगे तो 63% के अलावा जो बची हुई होल्डिंग है उसमें शायद 15% ऑल बिगीज है, जैसे राकेश झुंझुनवाला एंड ट्रस्ट जो है उनका 6% है, उत्पल शेठ जो कि अभी राकेश जी का फंड मैनेज कर रहे हैं उनका 6-8% है, बाकी जो बड़ी होल्डिंग्स में आते हैं उसमें आशीष कचौलिया और सारे बड़े नाम जितने आपने सुने बाजार के वो सब हैं, प्लस 1% से नीचे भी कई सारे नाम हैं जो दिखते नहीं हैं आपको। सो ऑल दोज बिग शॉट्स जिन जिनके नाम आपने बाजार में सुने हैं, मधु केला, रमेश धवानी, सबका इसमें इन्वेस्टमेंट है, और आज से नहीं है, तब से वो SME थी, क्योंकि राकेश जी की तरफ से इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ था तभी सबका इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। SBI के पास इनकी बातचीत चल रही थी कुछ एलोकेशन को लेकर, शायद SBI ने कुछ शेयर लिए भी हैं इनके, वो पता नहीं एक्सचेंज पर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। लेकिन कंपनी ठीक है, ग्रोइंग कंपनी है, ये बात सही है कि वॉल्यूम कम है और प्राइस टू मल्टीपल भी शायद 48 या 50 के मल्टीपल पे पहुंच गया है, सो थोड़ा नीचे आना ज़्यादा बेटर है। ये कंपनी मास में क्या बोलते हैं उस वर्ड को, रेनम, वो वर्ड में मिस कर रहा हूँ, आर मास को ही होता है, उसमें ये कंपनी प्रोमिनेंट कंपनी है और हिंडालको ऐसे बड़े क्लाइंट हैं इस कंपनी के। एक ही चीज़ है कि ये कंपनी सेमीकंडक्टर के लिए भी एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, सो इट इज़ अ गुड स्टॉक, बट वैल्यूएशन वाइज महंगा है, ग्रोइंग कंपनी है और आपकी सारी चीज़ें इसमें वाजिब है, तो थोड़ी पढ़ाई इसमें आप ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, और ट्रेंट हो गया, HAL भी हो गया, राघव भी हो गया, MTAR हो गया। ओके, बाकी क्योंकि एक ही से सारे सवाल इतने सारे आ जाते हैं कि ढूंढना पड़ता है फिर सवाल कहाँ गए। हाँ, ये रहा सर, हिंदुस्तान जिंक एंड वेदांता। दीपक जी देखो, आज हिंदुस्तान जिंक का एक्स डेट था, शायद डिविडेंड का 18 रुपये पर शेयर के आसपास का एक्स डेट था डिविडेंड का, सो ये पार्ट ऑफ डिविडेंड तो इसमें से निकल चुका है अभी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि मेटल आमतौर पर साइकिल में चलता है, सारा मेटल, कोई भी मेटल कंपनी जो होगी वो साइकिल पर ही चलेगी, सो मेटल के साइक्लिकल मूव होते हैं, और साइक्लिकल में दो कंपनियों को अगर आप छोड़ दीजिए कि हिंडालको, हिंदुस्तान जिंक एंड वेदांता, ये तीन कंपनियां ऐसी हैं जो कि बहुत सारे सेगमेंट में है मेटल के, कॉपर में भी है, एल्युमिनियम में भी है, बाल्को के थ्रू, आयरन ओर में है सिसागोवा के थ्रू, ऑयल में है केन के थ्रू, जिंक में है हिंदुस्तान जिंक के थ्रू, स्टील में थोड़ा स्टील का भी काम है, थोड़ा सिल्वर में है हिंदुस्तान जिंक के थ्रू, सो ये बहुत सारे बिजनेस में इसीलिए डाइवर्सिफाइड है, एक कमोडिटी में इंपैक्ट करता है दूसरे में नहीं करता काइंड ऑफ, लेकिन एक अच्छे डिविडेंड पे ऑफ्स आते हैं हिंदुस्तान जिंक की तरफ से, जो कैश रिच कंपनी है, 99% उसका प्रमोटर प्लेज पड़ा है लेकिन फिर भी वो कैश रिच कंपनी है, तो वो डिविडेंड रिलीज करती है, वो डिविडेंड जाता है वेदांता को और वो फर्दर रिलीज करता है उसे वेदांता PLC के लिए, क्योंकि प्रमोटर अपने पास डिविडेंड ज़्यादातर लेना चाहते हैं। सो इसीलिए एक बार को आप अगर डिविडेंड स्टोरी को प्ले करना चाह रहे हैं तो ये दोनों कंपनियाँ फिर भी ठीक है, लेकिन जब तक साइकिल फेवर में रहती है मेटल की तभी, फिर डिविडेंड छोटा हो जाता है, सो अकॉर्डिंगली आप इसमें कॉल लेना और उसके हिसाब से ही अपनी रणनीति बनाना। लेकिन वैसे ये कंपनियां दोनों बहुत अच्छी हैं, एक ही दो कंसर्न है वेदांता केस में, तो एक तो हाई डेट और हाई प्लेज, एंड हिंदुस्तान जिंक के केस में हाई प्लेज, ये थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर है। सो अगर प्लेज को ईज ऑफ कर दें, डेट को ईज ऑफ कर दें, तो वो और बेटर इनको कर देगा नंबर वाइज, लेकिन एज ऑफ नाउ कंपनियां ठीक हैं, कंपनियों को खराबी नहीं है। सर, CDSL की बोनस शेयर आज डीमैट अकाउंट में ऐड हुआ है, अब ये बोनस शेयर वाले शेयर कब तक ट्रेडिंग होना शुरू होगा? मालिक साहब, देखना पड़ेगा कब बोनस शेयर आते हैं, मतलब ये रेडिली अवेलेबल तो इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि बोनस कब क्रेडिट होगा, कब यू नो एक्स होना शुरू होगा, कब ट्रेड होना शुरू होगा, बट ठीक है, आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो सो दिस इज़ अ वे टू क्रिएट वेल्थ, अगर आप बहुत समय तक दे सकते हो तो, थोड़े दिन तक नीचे रहेगा, बोनस के शेयर ट्रेड होंगे, कंसोलिडेट करेगा, एक आध साल शायद डेढ़ साल दो साल निकाल दे कभी कभी, उसके बाद फिर वापस अपना रफ्तार पकड़ लेगा, सो इतनी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम आराम से बने रहो, इट्स अ वर्थ होल्डिंग स्टॉक फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वैल्यूएशन थोड़े महंगे ज़रूर है लेकिन कहीं नीचे मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से होल्ड कर सकते हो सर। भारत सीट्स और मुंजाल शोआ, विच वन आई कैन गो फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम?
मुंजाल में हीरो का स्टेक है और भारत सीट में मारुति का स्टेक है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। शायद 64% मारुति का स्टेक था लास्ट जो मैंने पढ़ा था कहीं। आई थिंक मुंजाल इज़ बेटर वैल्यूएशन वाइज, हीरो मोटोकॉप इज़ बेटर। और अगर हीरो मोटोकॉप का बड़ा फ्लो आता है तो मुंजाल में इम्पैक्ट करना चाहिए, क्योंकि टू व्हीलर में वो शॉकर के बड़े प्लेयर हैं और उनके पास यामाहा जैसे क्लाइंट भी हैं शायद, ये और गैब्रियल दो नाम थे, तो गैब्रियल के पास भी है थोड़े क्लाइंट्स। एनीवेज़ लेकिन मुंजाल शोआ सीम्स बेटर वैल्यूएशन वाइज कंपेरेटिवली। हीरो ग्रुप की सारी कंपनियां वैल्यूएशन में सो फार सस्ती हैं, शिवम ऑटो भी, मुंजाल ऑटो भी और हीरो मोटोकॉप भी। मारुति भी सस्ता है, उतना महंगा नहीं है, लेकिन हीरो से महंगा है। सो एटलीस्ट मुंजाल ज़्यादा बेटर दिख रहा है और ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग भी उसकी बढ़िया है मुंजाल की। सो आप वैसे देख सकते हो, लेकिन ऑटो में जाना चाहते हो तो हीरो मोटोकॉप सीम्स बेटर वैल्यूएशन वाइज। और एंसिलरी में पहले मदर ऑफ ऑल एंसिलरीज को पिक कर लीजिए, उसके बाद आप इन सब में जाइएगा। मदर ऑफ ऑल में आता है इसमें राम के फोर, आर के फोर्जिंग्स, शांति गियर, यूट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, क्यूमी, बॉश, ये तरफ के जो नाम है ये सब दे आर द बेस्ट इन देयर बिजनेस। तो इनको पहले आप इकट्ठा कर लीजिए, अगर ये आपके पास आ गए सब्सटेंशियल वे में फिर आप जाते रहिए छोटी एंसिलरी कंपनी में, कोई दिक्कत नहीं है। सर आदित्य बिरला सनलाइफ एएमसी के 313 शेयर हैं 390 के भाव पे, होल्ड कर सकते हैं जसू सर? क्योंकि बाकी एएमसीज में एचडीएफसी एएमसी अपने ऑल टाइम हाई पर है, निपॉन में भी अच्छी चाल आ गई है, यूटीआई एएमसी भी अब थोड़ा थोड़ा चल चुका है। सो एबीए ग्रुप एएमसी जो है इसमें पिकअप आना चाहिए मेरे ख्याल से। एएमसी शेयर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहे हैं, फ्लेवर आ रहा है मार्केट का इनकी तरफ, सो शायद यहाँ पर भी तेज़ी आनी चाहिए। तो इट इज़ अ गुड स्टॉक, अदरवाइज बहुत समय चला भी नहीं है, मतलब जब से आईपीओ है तब से चला भी नहीं है, ज़्यादा परफॉर्मेंस इसकी आई भी नहीं है। सो होल्ड करिए, बट अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो अपना स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा जहाँ इसके ईयर लो के आसपास, बाकी आप बने रहो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सर होप यू आर डूइंग वेल, व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑफ अदानी इंटरप्राइज डीआरएसपी विद सेबी दिस मॉर्निंग? वो तो एनसीडीज के लिए अंकित जी मेरे ख्याल से, कोई और तो डीआरएसपी उन्होंने फाइल किया नहीं है, मतलब बाकी मैंने देखा नहीं, क्योंकि एनसीडीज रेस करने की बात थी जो आज सुबह मैं कहीं पढ़ रहा था या देखा है मैंने, या ग्रुप में जो डिस्कशन चल रहे थे, लेकिन और तो कुछ है नहीं। तो एनसीडीज अगर तो बात अलग है, फिर तो फंड रेजिंग है नॉर्मल, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल कंपनी का आईपीओ है और उसका डीआरएसपी जो मेरी जानकारी में नहीं है, सो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अभी के लिए जो जानकारी वही है कि मेरे पास कि शायद डीआरएसपी इन्होंने एनसीडीज के जो भी इन्फॉर्मेशन दी एक्सचेंज को एनसीडीज के लिए दी है। सो एक बार पहले कन्फर्म कर लीजिए, उसके बाद इस पर बात करते हैं। बेस्ट लॉन्ग टर्म शेयर करंटली सीएट एंड नेटको एंड एलकेम एंड रेड्डी एंड हीरो मोटोकॉप एंड ऑब्वियसली आईटी में एलटीआईएम, न्यूक्लियस एंड एलटीआईएम, ये कुछ नाम ठीक लग रहे हैं। रेस्ट चॉइस इज योर्स, लेकिन इनकी सिचुएशन बेटर लग रही है। चूज तो आप करोगे, खरीदारी आपको करनी है नहीं करनी वो आप तय करोगे, लेकिन इनके नंबर्स थोड़े से बेटर दिख रहे हैं, सो आप ऑप्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। सुमित सर नमस्ते, एंजल वन जीएसएफसी एंजल वन में क्या करना चाहिए? सर कोई भी ब्रोकरेज में, देखिए प्रमोद जी कल परसों में हमारे एक जानकार आए थे वो कलकत्ता से, रजत बोस सर, रजत दा उनको हम बोलते हैं। तो रजत दा का ना एक बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है जो कंसेप्ट मुझे भी अच्छा लगता है। उन्होंने एक बात बोली थी कि मीडिया कंपनियों और ब्रोकरेज हाउसेस को वो राय नहीं देते हैं, और मुझे भी ऐसा लगता है कि इन दोनों कंपनियों पर राय देने का कोई बहुत लॉजिक मिलता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्रोकरेज कंपनियों के रेवेन्यूज़ से ज़्यादा उन्हें स्टॉक मैनेज करना आता ही होगा ना, सो चीज़ें वहाँ पर अलग तरीके से चलती हैं कंपेरेटिवली। तो आप मतलब जो दुनिया को खिला सकता है उसका खुद का हाल क्या ही होगा, आप खुद ही सोचो। दो नंबर अच्छे आ रहे हैं अभी के लिए, आप बने रहो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस आप ट्रेल करो, अपने आप को सेफ गार्ड ऐसे ही कर सकते हो आप। एंड लाइकवाइज़ मीडिया कंपनी के भी रेवेन्यूज़ जो है बहुत ही अब कभी अच्छे कभी बहुत अच्छे कभी बुरे कभी बहुत बुरे, इस तरह के पेक्स एंड यू नो एक्सपेंशन बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। सो बेटर इसकी आप इन दोनों में स्टॉप लॉस के साथ ही काम करो, चाहे एंजल वन हो, आनंद राठी वेल्थ हो, या फाइव पैसा कैपिटल हो, आईएफएल सिक्योरिटीज़ हो, तो इन सब में यही काम करिए आप, किसी न किसी तरह सिक्योरिटी के या इनके उसके साथ चलिए यू नो स्टॉप लॉस साथ, ताकि अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो आपका कैपिटल निकल जाए। बाकी आप बने रहो और जहाँ जहाँ तेज़ी मिलती रहे चलते रहो, चला बहुत बढ़िया है तो हल्का भी होगा ही कहीं ना कहीं। बाजार अभी तो बढ़िया ही चल रहा है, 18वां सेशन है जबकि निफ्टी ने अपना नया हाई बना दिया, 8 सेशन से एडवांस डिक्लाइन बेटर था। सो चीज़ें अभी तो अच्छी दिख रही हैं, लेट्स सी जब पलटेगी तब कहां तक जाती हैं। तो अभी के लिए आप उसके लिए भी तैयार रहो थोड़ा थोड़ा,
तो बेटर इसकी स्टॉप लॉस लेके चलो ताकि कैपिटल बचा रहे आप लोगों का। सर व्यू ऑन आरके फोर्जिंग, अरुण सर बने भी रह सकते हो और नया निवेश कर भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड सर कंपनी का करंट रेशियो कंपनी को किस तरह से इफेक्ट करता है? करंट रेशियो एज इन मतलब कौन से रेशियो की बात कर रहे हो आप? बहुत सारे रेशियोज आते हैं, मैं समझ नहीं पाया, तो इस पार्ट को आप थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ डाल दो तो ज़्यादा बेटर आएगा। लेकिन अभी के लिए मतलब एंड ऑफ द डे सर तीन चीज़ों पे आप पहले नज़र रखो, बाकी रेशियोज पे डिटेल चर्चा किसी और दिन कर सकता हूँ मैं, आप जब रेशियोज मुझे क्लियरली बता दोगे तो। लेकिन जो तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उसमें पहला तो आता है ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा आता है कंपनी से रिलेटेड जितने भी यू नो कैश फ्लोज हैं, ये दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो पहला प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरा जितने भी कैश फ्लोज होते हैं, तीसरा कंपनी की प्लेज एंड डेट का सिचुएशन, ये तीन चीज़ों के ऊपर अगर आप नज़र रखो तो बहुत हद तक चीज़ें इन्हीं में कवर हो जाती हैं और सिचुएशन क्लियर हो जाती हैं। सो अगर यही आप मान रहे हो आधार, तो इन तीन को मानो, बाकी अगर कुछ और आपके मन में है तो आप पूछ लो यहाँ, नहीं तो सोशल मीडिया पर अलग से मैं उस पर बात कर लूँगा जो भी है। लेकिन मैं अभी बहुत हद तक इस पर क्लैरिटी समझ नहीं पाया आपके सवाल को, तो इसलिए मैं शायद जवाब ना भी दे पाऊँ। ओके, इसके अलावा शारदा एनर्जी केस में राहुल जी बने रह सकते हो, कंपनी बेटर कर रही है, इनफैक्ट पिछले 5 क्वार्टर या 5 साल में नंबर्स में एक अच्छा इंप्रूवमेंट भी है। 2-3 कंसर्न थे इस कंपनी के साथ, पहला डेट, वो थोड़ा हायर साइड पे है, दूसरा प्लेज नहीं, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को इंटैक्ट 62 के आसपास रखा हुआ है, जो लास्ट टाइम से 61 पॉइंट समथिंग थी, वो बीच में 65 से ड्रॉप होकर 61 आया था, नहीं 71.5 से ड्रॉप होकर 71 आया था, फिर 72 पॉइंट समथिंग है। सो प्लेज तो एज इन सॉरी प्रमोटर होल्डिंग तो एज इन प्लेज इंटैक्ट है। डेट से थोड़ा सा कंसर्न था इनके लिए, कैश फ्लो भी ठीक थे इस कंपनी के, नंबर में लास्ट क्वार्टर के नंबर में थोड़ा सा ड्रॉप आया है और कुछ हद तक कमोडिटी बेस्ड है, तो आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा जो मैंने कल देखा था 280 कहीं एक स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका, वो आप या 250-245 का एक स्टॉप लॉस लेके आप बने रहो, वो मोटा मोटा यही नंबर मुझे याद आ रहे हैं सारे अभी, और इसके हिसाब से आप कॉल ले लेना इसमें, ऐसे बने रहो कंपनी में। जे जी केमिकल एंड आधार हाउसिंग फाइनेंस होल्ड फ्रॉम आई पी ओ, वॉट टू डू फॉर लॉन्ग टर्म? देखो सूरज सर, आधार वैसे कंपनी अच्छी है एंड दे आर एक्सपेंडिंग वेरी वेल, बट NBFC नहीं चल रहा तो ये भी थोड़ा चल नहीं रहा है, तो इसमें तो आप बने रहो। एंड रही बात जे जी केमिकल की, तो इसके तो अभी नंबर बहुत ज़्यादा आए भी नहीं है, तो इसके बारे में अभी समझ नहीं पाऊँगी, शायद 2 या 3 ही क्वार्टर के नंबर आए होंगे और केमिकल वैसे भी डाउन ट्रेंड में है, तो अभी तो आप बने तो दोनों में रहो, लेकिन कीप एन आई ऑन नंबर्स, यही इस समय का एक होप होता है। देखो कोई भी कंपनी का आईपीओ मार्केट आपको पता ही है किस तरह की सिचुएशन आई रही है, ऐसा ऐसा हाल हो रहा है कि छोटे छोटे आईपीओज में बहुत बड़े बड़े बिड्स आ रहे हैं, वो सुना ही होगा 12 करोड़ मांगा 4800 करोड़ मिला, तो ऐसे अगर आईपीओ की मार्केट बनी हुई है तो आपको वैल्यूएशन समझना बहुत मुश्किल है एक्चुअल में। और जब कोई चीज़ के वैल्यूएशन बहुत महंगे होते हैं तो उसको राइट साइज करने के लिए थोड़ा समय लगता है, 1 साल 2 साल 3 साल, और मार्केट कोविड के बाद से अब तक लगातार चल ही रहा है, सो मार्केट अब तक वो बढ़िया समय दिखाया भी नहीं है जिसमें आप बाय करो या कोई अच्छा दिन देखो, 2-3 छोटे मोटे झटके आए थे, इसमें कुछ होता भी नहीं मार्केट में। सो एटलीस्ट आप थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा राइट साइज हो जाए, थोड़ा स्टेबल हो जाए, नंबर्स को बाजार रीड कर ले, उन नंबर के हिसाब से बाजार भाव नॉर्मल हो जाए, उसके बाद आप अपनी कॉल लेते रहो, ज़्यादा बेटर है। लेकिन अभी आउटराइटली आप लॉन्ग टर्म सोच के बैठ जाओ IPOs में जो कि अभी 6 महीने साल भर पहले आए, तो थोड़ा सा ट्रबलसम होता, तो एटलीस्ट थोड़ा समय दे दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। ओके, थैंक्स फॉर LKM, इट्स रॉकिंग। अंकित जी अभी भी LKM आप होल्ड करिए, अभी भी LKM आप खरीदारी कर सकते हैं, अभी भी LKM, NATCO, Reddy's, CET, अगेन आई एम सेइंग CET एंड NATCO Pharma एंड JK भी ठीक है, ये सब कंपनियां, दीज आर एट गुड वैल्यूएशन, गुड प्राइसिंग, गुड मल्टीपल्स, चॉइस इज ऑलवेज योर्स, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए, बट जो सही दिख रहे हैं वो मैंने रख दिया आपके सामने। TCS एक टाइम पे सही लग रहा था, आज उसका जिक्र नहीं करता हूँ क्योंकि अब वो महंगा है, अब वो IT के मल्टीपल से महंगा जा चुका है, अब सस्ता आप कुछ ढूंढ रहे हैं IT में तो बिरला सॉफ्ट है, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर है, विप्रो इन्फोसिस लार्ज कैप में है, महंगे में टेक महिंद्रा है, इवन HCL टेक बहुत अच्छी दाम पर है, भले अपने ऑल टाइम हाई पर है लेकिन बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर HCL टेक खड़ा हुआ है। सो
है बाजार में, ऐसा नहीं कि सब कुछ महंगा ही हो गया, कुछ चीज़ें बेटर भी हैं अभी भी, जहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज लेस, जीरो तो कभी नहीं होती, लेस एटलीस्ट है, कभी नीचे आएंगे तो आपको फिर मौके मिल जाएंगे और बेटर मौके मिल जाएंगे एंटर करने। अब जैसे PCBL बहुत महंगा हो गया, अब क्या बात करूँ, 500 रुपये तो आ ही गया शेयर, 200-250 रुपये से यहाँ पे बात हो रही है उसकी, तो अब डबल होने के बाद थोड़ी ना उसमें कोई हाथ लगाने की हिम्मत होगी, 2000 रुपये हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, साल भर, 2 साल 5 साल में 1000 रुपये हो जाना चाहिए, क्योंकि उस कंपनी में जो नई कैपेसिटी ऐड हो रही है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है, वो 1-2 साल में नहीं दिखाई पड़ेगी, वो कुछ सालों में दिखाई पड़ेगी। अब वो कैपेसिटी के लिए आप उसे कहाँ एंटर करना चाहते हो, होता क्या है ना, आपने 300 रुपये में लिया शेयर, 500 रुपये की आपको बड़ी खुशी मिलेगी, वही शेयर टूट के 250 रुपये वापस आ जाएगा किसी इवेंट में, तो आपको दुख होना शुरू हो जाएगा कि मेरा पैसा चला गया। सो आप इन्वेस्टर होते हो लेकिन सोचते ट्रेडर की तरह हो, सो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन में कैपिटल अपना थोड़ा थोड़ा बुक कर लो, लेकिन नीचे कहीं आया तो फिर आप कॉल ले लेना। लेकिन हाँ, LKM जैसी कंपनियाँ, दे आर वेरी गुड कंपनीज टू होल्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यू कैन कीप इट अदरवाइज, अभी भी वैल्यूएशन बहुत महंगा नहीं है। SBI बैंक, मानक्सिया स्टील, एंजल वन, इन पर सर मैं बात तो कर चुका हूँ, SBI के केस में आप एटलीस्ट ज़रूर होल्ड कर सकते हो, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड बैंक फॉर SIP, इवन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चले फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूँगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। अब बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी 5:30 बजे, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @SumitResearch मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप लोग ज़रूर 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 ले लें, और CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, Insta पेजेस पर जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, पूरी तरह हम उस पर रिलाय ना करें, ये मैं साफ बोल रहा हूँ। इसी के साथ एक ब्रेक, ब्रेक के बाद आप लोग आगे अपनी खबरें देखते रहिए। नमस्कार।